गाइज वेलकम टू माई चैनल ए बी रॉक्स टीम्स। तो भाई आज मतलब मैं वीडियो इतनी लेट इसलिए बना रहा हूँ, बट ये वीडियो जल्दी पोस्ट होगी पेरू वर्सेस बोलीविया की, कि आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब नज़र ही नहीं हट रही मैचेस पे, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। मतलब ऐसा मन कर रहा है, मतलब एक के बाद एक रेडी है क्लीन स्वीप। तो मैं यही चाहता हूँ कि रात के मैचेस में भी यही हो। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, आप डायरेक्टली सर्च करके जुड़ सकते हैं। सुबह होगा ये मैच अर्ली मॉर्निंग, तो बात करें हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। एक्चुअली ये मैच को मैंने एक नॉन गोल के हिसाब से बनाया, इस नॉन गोल वो वाला नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई गोल ना हो, मतलब विदाउट एनी गोल का ये मैच हो। पर यहाँ पर गोल अगर होता है तो पेरू का होना चाहिए, तो ही हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बोलीविया गोल करते तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जाएगा है मेरी नज़र में मैच, और मैं बोलीविया का गोल नहीं चाहता। बट मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, इफ़ यू आर फैन ऑफ बोलीविया तो भाई हो जाए गोल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं किसी का ऐसे गलत नहीं सोचता। तो मैं बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर। तो यहाँ पर है अपना गोलकीपर जो बोलीविया को फेवर कर रहा है, बोलीविया की टीम का गोलकीपर है जिसका नाम है सी लैम्पेन। एंड लैम्पेन वॉज एन एवरेज प्लेयर, लोग पी गैलेस को रखेंगे, चाहता तो मैं भी रख सकता था, बट फिर मेरी टीम कैसी होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी टीम हमेशा रिस्क के नाम पे मशहूर है। तो मैं रिस्क लिए बिना रहता नहीं, और ये मतलब का रिस्क है, बेमतलब का नहीं। और आगे से बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर्स की, देन यहाँ पर मैं वन एन अदर प्लेयर जैरो कैंट्रेस, जैरो क्वेंट्रेस एंड वन एन अदर प्लेयर रॉबर्टो फर्नांडिस, दीज आर टू मेन प्लेयर्स, जबकि इन्होंने पिछले मैच में भी अपोजिशन टीम की बैंड बजाई थी। ये दोनों प्लेयर्स इसलिए अच्छे क्योंकि स्ट्राइकिंग जिस टीम की नहीं चलती तो उस बार जो डिफेंडर होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और सेंटर डिफेंडर फोर्थ डिफेंडर को अलाउड होता है आगे आना। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रिस्क ऑन दिस प्लेयर्स। एंड आगे से बात करें कैलेंस की, देन यहाँ पर कैलेंस कुछ मैचेस से फ्लॉप जा रहे हैं, बिकॉज पेरू टीम इतनी खास चल नहीं रही, बल्कि बोलीविया ने आखिरी मैचेस में प्रदर्शन अच्छा दिखाया। बट इफ़ यू सी हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन दीज टू टीम्स, तो यहाँ पर आपको पेरू टीम बहुत तगड़ी लगेगी। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, लोपेज को लूँगा, लोपेज मेन प्लेयर है, भाई छोड़ने की गलती भी मत करना, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। भले कुछ ना करे, मेरी नज़र में वो मेन प्लेयर है, भले मैं कहता हूँ कुछ करे या ना करे वो बात की बात है। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पे लूँगा मिगुल तरोको को, मिगुल तरोको जो कि मेन प्लेयर है। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई देन ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि रिस्क लो, मैं तो ये कहता हूँ। आगे से बात करें मिडफील्डर की, रमेलो काफ़ी गोल्स कर रहा है सीजन, बल्कि पिछले मैच में जब इसने प्रेग्यू को गोल लगाया था ऑलमोस्ट ये किसी की भी टीम में नहीं था, कुछ मेंबर्स को छोड़ के, क्योंकि कईयों को पता था रोमेलो क्या चीज़ है एंड मेन प्लेयर था, बट लोगों ने लिया नहीं था। एंड आगे से बात करें एस्पेना की, देखो पेना को कैप्टन रखने का डिसीजन या फिर वाइस कैप्टन रखने का डिसीजन आपका गलत नहीं है। अगर किसी टीम की डिफेंडिंग तेज़ है, मिडफील्डिंग तेज़ है, अगर स्ट्राइकिंग तेज़ नहीं है, तो नेचुरली आप लोग रिस्क लोगे, और मैं भी वही कर रहा हूँ। एंड आगे से बात करूँ सी कुएवा की, देन मैं यहाँ पर कुएवा को ले रहा हूँ। कुएवा को लेने का कारण और कुछ नहीं, कारण मेरा सिर्फ एक ही एक कारण है कि मैं कुएवा को जो अपनी टीम में ले रहा हूँ उसके पीछे का कारण है कि मेन प्लेइंग, ये अपनी टीम की तरफ से एक मेन रोल निर्धारित कर रहा है अपनी नेशनल टीम में, बिकॉज इट वॉज बिलोंग फ्रॉम पेरू एंड ये अपनी टीम के बारे में अच्छा ही सोचेगा। एंड आगे से बात करें मार्टिन्स की, मार्टिन्स ने कुछ दिनों से मैच खेला नहीं, आई ट्राई कि यहाँ पर अगर आज का मैच खेलता तो मैं लूँगा, अगर ये नहीं खेलता तो मैं शायद ट्राई करूँगा कार्मेलो को, सोचूंगा। एंड आगे से बात करें लापाडुला की, लापाडुला कई लोग कैप्टन रखेंगे, बट ये जब भी मैंने इस प्लेयर को कैप्टन रखा इसने मुझे धोखा ही दिया, देन मैं कैप्टन नहीं रख रहा, मेरे लिए ये एक अनलकी प्लेयर है। तो आपको रखना रख लो, बट मैं आपको राय नहीं दूंगा, बाकी जिन्होंने सेफ जाना है सिर्फ वही रखें। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा कुएवा, वाइस कैप्टन एस्पेना। मेरी टीम मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।